हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्वागत है आपका मेरा और आपके चैनल कुकिंग विद नाजरीन में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बनाना बताऊंगी झटपट पनीर की रेसिपी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप फ्राइड अनियन ली है और इनको मैं अब क्रश कर लूंगी कुछ इस तरीके से। ये पनीर बहुत ही आसानी से बन जाने वाला है। इसमें कुल सिर्फ 15 मिनट का समय लगेगा। तो अनियन मैंने क्रश कर ली है। तो पनीर मसाला रेसिपी बनाने के लिए मैंने अनियन को क्रश कर लिया था। यहाँ पे मैंने ये 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसके मैंने पीसेस कर लिए। यहाँ पे मैंने ऑयल अपना हीट करने के लिए रख दी। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टमाटर की प्योरी। टमाटर का जो मैंने पेस्ट ऐड किया था उसका पानी सूख चुका है। अब मैंने यहाँ पर ये 50 ग्राम घी ली थी, तरबूज की घी, इनका मैंने पेस्ट बना लिया। अब ये ऐड करती हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी, ताकि हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। ऑयल मेरा सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपनी फ्राइड एंड क्रश्ड अनियन। ये देखिए, अनियन ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको मसाले को फिर से फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपने पनीर के क्यूब्स। टीस्पून गरम मसाला पाउडर। यहाँ पर मैं अब ऐड करूंगी इसमें होममेड मेरी फ्रेश क्रीम, 2 टेबल स्पून। क्रीम मेरी ऐड हो चुकी है। अब मैं इसको एक उबाल दूंगी। ऑयल सेपरेट हो चुका है। मेरा इंस्टेंट पनीर मसाला बनकर तैयार है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रोस्टेड कसूरी मेथी। गैस के फ्लेम को करते हैं ऑफ और उसको करते हैं डिश आउट। ये देखिए, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। बैचलर के लिए ये रेसिपी बहुत ही बेनिफिशियल होगी। गार्निश करेंगे फ्रेश क्रीम से, थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो हमारा 15 मिनट में पनीर मसाला बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ।